बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? नाज़रीन, अल्लाह के फजल व करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे, अल्लाह के अमान में होंगे। आज हम आपके सामने वो अमल बता रहे हैं जो अमल वाकई में बहुत ज़बरदस्त अमल है और ये आपको जल्दी से कहीं देखने को नहीं मिलेगा और बहुत कीमती अमल समझ लीजिए। बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो माँ बनना चाहती हैं और वो माँ नहीं बन पाती। इस बात के लिए हमने पहले वीडियो डाली हुई है कि जो माँ नहीं बन पाती तो वो वीडियो देखें, इंशाल्लाह उनकी गोद ज़रूर भर जाएगी। लेकिन ये प्रेगनेंसी का ऐसा अमल हम आपको बता रहे हैं जो बीमार में ग्रस्त होती है लेडीज़, जो ऐसी बीमारी में मुब्तला होती हैं जिसकी वजह से वो माँ नहीं बन पाती। अब वो चाहती हैं कि हम माँ भी बन जाएँ और हमारी बीमारी भी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए हमारी और हम माँ बने। तो ये अमल उन्हीं लेडीज़ के लिए है जो कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला हो और जिसकी वजह से वो माँ नहीं बन पा रही हो, तो इंशाल्लाह जब वो ये अमल करेंगी तो उनकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी और वो माँ बन जाएंगी इंशाल्लाह। तो चलिए सबसे पहले वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, प्लीज़ मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ आप लोग सब देख रहे हैं और तारीफ़ करते हैं और खुश होते हैं कि आप बहुत अच्छे अमल लाती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सब्सक्राइब भी आप लोगों का मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगी तो ही हमारा चैनल आगे तक जा पाएगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ, देखिए आपको क्या करना है। आपको करना क्या है ये देखिए, तीनों ज़मानों में आपको नज़र आ रहा है। आपको ये करना है, सबसे पहले तो आपको सूरह यासीन पढ़नी है और सूरह यासीन का पानी पढ़कर आपको दम करना है और उसे आपको पी लेना है, ठीक है। आपको एक तो ये अमल रोज़ का करना है कि सूरह यासीन का पानी पढ़िए और दम करके उसका पानी पी लीजिए। और नंबर ये देखिए, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़िए आप। आपको 40 दफ़ा यानी 40 बार आपको अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के बाद ये पढ़ना है, या अव्वलो या बारियो या मुसव्विरो या खालिको या मुब्दियो, ठीक है। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ के बाद आपको पढ़ना है, या अव्वलो या बारियो या मुसव्विरो या खालिको या मुब्दियो, ये आपको 40 बार पढ़ना है और 40 दिन तक आपको लगातार इस चीज़ को पढ़ना है। लेडीज़ बीच में नागा कर सकती हैं और फिर आगे चल के उसको पढ़ सकती हैं। और पढ़ के पानी पर दम करिए और उस पानी को पी लीजिए और अपने ऊपर भी दम करिए। इंशाल्लाह आप देखेंगी कि इस अमल से, क्योंकि ये सारे अल्लाह के नाम हैं, जब आप पढ़ेंगी तो इस अमल से आप ख़ुद देखेंगी कि कितनी जल्दी आपकी बीमारी भी ख़त्म हो जाती है जिसकी वजह से आप माँ नहीं बन पा रही और आप ज़रूर माँ बनेंगी इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल व करम से आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और आपकी जो भी तमन्ना होगी आपको ज़रूर हासिल होगी इंशाल्लाह। तो दुआओं में याद रखिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।